जय हिंद दोस्तों, मैं अपना YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं CRPF ट्रेडमैन 2023 के जो निकली वैकेंसी उसमें नाई पोस्ट के बारे में बात करेंगे। नाई जिसको बार्बर बोलते हैं उसी को नाई बोलते हैं। उसकी क्या ड्यूटियां होती है, क्या क्या ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेड टेस्ट में उसकी बाल कटिंग करवा कर देखा जाएगा कैसा कटिंग करती है, और औजार के बारे में पूछा जाएगा क्या क्या औजार का नाम क्या है, किसको क्या बोलते हैं, उस तरह से। और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसकी कंपटीशन थोड़ा टफ हो सकती है क्योंकि इसमें ट्रेड में जिसको बाल कटिंग करना आता है, मसाज करना आता है, वो मसाज करवा भी सकता है क्योंकि बार्बर का काम रहता है बाल कटिंग करना और मसाज करना। तो बाल का मसाज, सर का मसाज करना, तो वो सब आपको करवा सकता है। तो उसकी तैयारी कर ले। जो नए पोस्ट में मतलब फॉर्म फिलअप करते हैं वो अपनी ट्रेड के बारे में यही आपको ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा। और इसकी एग्जाम तो डॉक्टर सबका एक ही है। इसकी ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी ड्यूटी आपको जीसी, जहाँ भी आपको ड्यूटी होती है, जीसी हो, कंपनी हो या बटालियन हो, आपके एक रूम दे दिया जाता है। रूम में जैसे आपको एक चेयर और ऐनक और मतलब पूरा आपके बस्ते, जैसे आप जाते हैं बार्बर में बाल कटिंग करवाने के लिए एक दुकान में, तो उसी तरह से आपको दुकान की तरह आपको दे दिया जाएगा पूरी। आपको सुबह 8 जितना बजे आप खोलते हैं दुकान, जैसे खुलता है उससे आपका टाइम रहता है, आपका 8 बजे से खोलकर आप बैठे रहिए। आपको कोई काम नहीं, बाल कटिंग के लिए आएगा तो आप बाल कटिंग कीजिए। और बीच बीच में कभी कभी जैसे कंपनी वगैरह में नफरी नहीं रहती होती तो बाल नहीं कटती है, तो आपको बीच में सब्जी वगैरह काटने के लिए मेस में आपको बुला लेगा। और उसके अलावा कोई नहीं, इसकी ड्यूटी नहीं लगती है। बाल कटिंग के अलावा आपको कोई काम नहीं, बाल कटिंग करना और मेज में थोड़ा हेल्प करने के रूप में मतलब सब्जी जाके काटना। उसके बाद नहीं ड्यूटी लगती है, नहीं बाहर जाती है। पूरे दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, रात को ड्यूटी नहीं लगती। बाई चांस कभी कंपनी बाहर जाती है नाइट में, कहीं ऑफिस में जाती है तो रात को वापस नहीं आती है, उस दौरान आपको नाइट में 1 घंटा या 2 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ सकती है। उसके अलावा आपको रेगुलर लगातार आपको ड्यूटी कभी नहीं लगती नाई को। तो बस यही है। और बाकी वेतन के बारे में, वेतन सबका समान है, जितना जीडी का वेतन है उसका ये भी उतना ही वेतन है। ट्रेनिंग में आपको हथियार की ट्रेनिंग दी जाएगी नाई में, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपको कभी कभी ड्यूटी पड़ती है, इसलिए आपको हथियार की जानकारी दी जाएगी। बट आपको ड्यूटी के दौरान कभी हथियार नहीं दिया जाता, ट्रेनिंग में आपको मिलेगी बस, उसके बाद नहीं। बाकी आपकी प्रमोशन, इसमें प्रमोशन नहीं होती है। बाकी इसमें एक आ रहा है ना मैसेज, कमेंट आ रहा है कि इसमें से तैयारी कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल डिपार्टमेंटल, आप CRPF पर रहिएगा, किसी पोस्ट पर रहिएगा तो डिपार्टमेंटल एग्जाम आप दे सकते हैं, चाहे आप ट्रेडमैन में हो या फिर GD में। डिपार्टमेंटल एग्जाम निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी, आप लिख कीजिए और भरिए और सिलेक्शन लीजिए, बिल्कुल आपको स्वागत है। और कमांडो में, आप बिल्कुल कमांडो में जा सकते हैं यार, बट इसमें ना कमांडो में आपको नाई पोस्ट में है तो आप नाई पोस्ट से ही कमांडो में जा सकते हैं। बार्बर से ही रहिएगा, वहाँ भी बार्बर की काम करने पड़ेगी। बाकी आपको GD में जाने के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देनी पड़ेगी। आप सेम रैंक में रहेगा तो सेम रैंक का एग्जाम डिपार्टमेंटल में नहीं दे सकते। हेड कॉन्स्टेबल में आप, हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी निकलती है, डिपार्टमेंटल तो आप कोई कहीं ट्रेड में रहिएगा या फिर GD में रहिए, आप बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी आप नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे तो उसमें कुछ कुछ बता देंगे आपको, जो सब में सिमिलर है वही बात। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड में मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।